हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एनचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, तो यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ग्रैब करते हैं गाइस। आप जिस भी पर्सन के लिए आज का शिफ्ट देख रहे हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं, एयर ऑफ विंटर एंड नाइन ऑफ स्प्रिंग। तो एयर ऑफ विंटर वाला कार्ड आपसे कहता है, यू हैव व्हाट इट टेक्स इफ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वॉन्ट। तो आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है, इन्हें लगता है कि ये आपसे किसी मामले में कम है, यानी कि अगर सोशल मीडिया पर आप दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हो तो आपकी कुछ एक्टिविटीज़ आपके पर्सन को इस तरह से शो हो रही होंगी कि आपके जो पर्सन हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो मतलब मेरी डिवाइन फेमिनिन है या फिर मेरी जो पर्सन है ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा हर मामले में एक हायर पोजीशन पर हैं। अगर ये लुक्स को लेकर हैं गाइस तो यस, आपके पर्सन आपके साथ लुक्स में खुद को कमतर मानते हैं एंड इस वजह से इनके अंदर एक सेल्फ लो एस्टीम भी है। मतलब आपके साथ मैचअप करना इनके लिए शायद बहुत ज़्यादा अभी के लिए फ़िलहाल डिफ़िकल्ट है, तो ये खुद को वहाँ पर पावरलेस मानते हैं कि यू आर अ वेरी शाइनिंग पर्सनैलिटी। और अगर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप किसी और मामले में इनसे एक हायर मकाम पर हो, जैसे कि अगर आपका सोशल सर्कल इनसे ज़्यादा है तो वहाँ पर भी शायद खुद को एक सेल्फ लो एस्टीम में मानते होंगे, अंडर कॉन्फिडेंस मानते होंगे कि मैं कैसे इस पर्सन से जाकर बात कर सकूंगा या कर सकूंगी क्योंकि दिस पर्सन इज़ शाइनिंग रियली वेरी ब्राइट। तो ये एक ऐसा फियर होता है ना कि हम मतलब सामने वाले के सिर्फ और सिर्फ सोशल बिहेवियर से एक्टिविटीज़ को नोटिस करके उसको जज कर लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा ही होगा और हम इसके साथ वो मैच नहीं बना पाएंगे। तो अलोंग दोज लाइन्स आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं अभी के लिए, इनको लगता है कि शायद ये आपको एक परफेक्ट मैच खुद के साथ नहीं मान रहे होंगे और इसीलिए खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से। अगर इनका यहाँ पर किसी बात को लेकर कोई एक्शन बनता था तो इन्होंने वो एक्शन इसलिए नहीं दिखाया होगा आपको क्योंकि इनको लगता है कि दे आर रियली वेरी लैकिंग समवेयर फॉर यू, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नाइन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी ये कहती है कि प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस दैट लाई अहेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो आपके पर्सन एक चीज ये भी जानते हैं कि आप जैसा पर्सन इन्हें फिर दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अगर ये अगर अंडर कॉन्फिडेंस भी हैं तो तब भी इन्हें कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, अपने आप को आपके मैच तक लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये आपको हासिल कर सकेंगे। क्योंकि अगर ये आपको खो देते हैं तो फिर इनका सबसे बड़ा लॉस है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपको आपका अटेंशन पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नीज में ऐसा होता है गाइस कि जब कोई डिवाइन फेमिनिन किसी डिवाइन मैस्कुलिन को पसंद आने लगती है तो ये बहुत ऐसा कुछ करते हैं कि आपका अटेंशन तो सीख कर लेते हैं, फाइन। उसके बाद जब आप इनकी तरफ अटेंशन देना शुरू करते हो तब ये भागने लगते हैं आपकी तरफ से। मतलब ऐसा देखने को मिला है मुझे हर बार कि मैंने जितना भी एक यहाँ पर एक एक्सपीरियंस रखा है, मैं बहुत लोगों की रीडिंग्स करती हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है गाइस ट्विन फ्लेम जर्नीज के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं और क्या क्या होता है, मेरी स्टडीज़ रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को अगर मैं एक कलेक्टिव वेज में रीड करूं तो मैं एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर पाई हूं कि पहले तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपका पूरा अटेंशन सीख करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हैं और जब आपका अटेंशन इन्हें मिलना शुरू हो जाता है तब ये एक रनर बन जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि इन्होंने आपका वो अटेंशन सीख करने के लिए बहुत मेहनत की होगी
जब आपका इन्हें अब अटेंशन मिल रहा है तो ये शायद खुद को उस हद तक का कैपेबल इंसान मानते नहीं है। मतलब एक ऐसा फियर होगा कि पता नहीं मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, एक यू नो फियर ऑफ रिजेक्शन ऐसा होता है। तो इस तरह की ही एनर्जी देख रही हूँ मैं आपके जो भी ये पर्सन हैं, ये एक श्योर मैस्कुलिन की एनर्जीज में हैं। दे हैव लॉट ऑफ फियर और ये अपने आप को कैपेबल इनफ नहीं मानते हैं। आपके टक्कर का इंसान ये खुद को नहीं मानते हैं एंड दे आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज। और शायद ये अपने आप पर और वर्क करना चाहेंगे, अपने आप को और बेटर वर्जन में पुश करना चाहते हैं ताकि ये जब भी कभी आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करें तो वो एक सॉलिड फॉर्म में हो और ये खुद में वो कॉन्फिडेंस दोबारा से महसूस कर सकें जो ये पहले शायद किया करते थे। लेकिन अब आपको एक शाइनिंग पर्सनैलिटी जब भी ये सेंस कर रहे हैं तो ये खुद में वो अंडर कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आज की एनर्जी आप लोगों की क्या कहती है? तो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। टेक एवरीवन्स इनपुट इनटू कंसिडरेशन, मर्ज वीफ पॉइंट्स टू क्रिएट अ बेटर सॉल्यूशन, टेक योर टाइम, देयर इज नो नीड टू रश। आप बहुत ही रिलैक्स्ड होंगे। आप अगर एक इवेंट आपकी लाइफ में अभी गुजरा है गाइस जिसकी वजह से आपके पर्सन एक कंपटीशन सेंस कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आपने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो प्रेजेंटेशन है वो आपने रखा, लेकिन आप इस पर्सन के एक्शन का अगर इंतज़ार कर रहे हो तो आपको किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है। आप चाहते हो कि ये अपना स्वीट टाइम ले सकते हैं, इन्हें जब आना होगा ये आएँ, और बट आप अपने बारे में इन्हें एक क्लैरिटी दे चुके हो, आप अपने बारे में इन्हें सारी बात बता चुके हो और आपका जो एक अप्रोच है वो बहुत ही मॉडरेट है। आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहते। मतलब ऐसे कह सकती हूँ ना मैं कि अगर आपको पसंद है तो यस ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो फाइन नो प्रॉब्लम। यू नो इस तरह की आप एनर्जीज में हो कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी शेयर कर रहे हो, लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कंसिडर कर रहे हो ताकि एक बेटर वे आप दोनों फाइंड आउट कर सकें जहाँ पर एक बैलेंस आप लोग अचीव कर सकें। तो आप अपने पर्सन की फीलिंग्स को शायद जान भी रहे होंगे कि आपके पर्सन अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। अगर आप ही ने ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट की है जहाँ पर आपने इन्हें ऐसी बातें बताई हैं कि ये थोड़ा सा लो फील करते ही राइट तो तब भी आप ये चाहते हो कि ये अपना टाइम लें और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ रहे हो गाइस। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस पर्सन को इतने बेहतर वेज में समझते हो कि ये पर्सन इस बात को लेकर शायद एक तरह की अमेज्ड एनर्जीज में कि कैसे मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है मुझे इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करती हैं या करते हैं यू नो। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपने इनको एक फेयर चांस दिया है कि बोलो आपको जो भी बोलना है या फिर करो आप जो भी करना चाहते हो। आई एम देयर विथ यू, मैं अवेटेड रहूंगी आपके लिए, अवेटेड रहूंगा आपके लिए। तो ऐसा आपने माहौल इन्हें क्रिएट करके दे दिया है ताकि ये कम ना समझे खुद को, ये वो कॉन्फिडेंस दोबारा से अपने आप में बिल्टअप करें अगर ये लो मान रहे हैं कहीं पर। और एक तरह की ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ये भी आपको पता है। मतलब आप अपने पर्सन को इतने अच्छे वेज में समझते हो कि ये कहाँ पर लैक कर रहे हैं, कहाँ पर ये पीछे छूट जाएंगे आपको बहुत अच्छे से पता होता है, इसलिए आप इन्हें सपोर्ट करने पहुँच जाते हो। अगर आपका सपोर्ट डायरेक्ट नहीं भी है तो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट आप इन्हें प्रेजेंट करते हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी यही कहती है कि बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वॉन्ट टू हेल्प यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। जैसे कि मैंने कहा आप इनके लिए क्वीन ऑफ स्प्रिंग हो, यानी कि यू अंडरस्टैंड देम सो वेल कि आप एक फ्रेंडली इनके साथ बिहेवियर रखते हो। अगर आपको पता भी है कि कहाँ पर खुद को रोक लेंगे, कहाँ पर ये खुद में एक लैक ऑफ लाइक सेल्फ लो एस्टीम में चले जाते हैं, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जब ये एंटर करते हैं तो वो कौन सा एरिया है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए आप क्या करते होंगे, इनकी तरफ ऐसा ही माहौल क्रिएट करते होंगे कि आप इन्हें वो वार्म्थ शो कर सकें, वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप इन्हें दे देते हो, आप इनकी तरफ वो सब कुछ प्रेजेंट करते हो कि ये दोबारा से वो एक बैलेंस में खुद को
महसूस कर सकें, आप इन्हें लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जीज में छोड़कर चले नहीं जाते हो, आप इन्हें अकेला नहीं छोड़ देते हो, आप बार बार एक चेक बनाकर रखते हो कि हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर यू, व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ। तो ये आपका कंसर्न भी है और आपका एक केयरिंग एटीट्यूड भी है और आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस पर्सन के लिए आपने बहुत सारे वेज में अपनी लाइफ को चेंज किया है, मतलब आपने भी फ्यूचर इनके साथ देखा है और आपको ये भी पता है कि ये कहाँ पर डर जाते हैं या फिर कहाँ पर ये आपके साथ एक वो पेयर नहीं बना सकते, तो आप इन्हें वहाँ से उठाने की कोशिश करते हो। हर बार आप इन्हें प्रोटेक्ट करते हो, किसी किसी चीज़ में आप इन्हें इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो, इन्हें इंस्पायर करते हो, इन्हें मोटिवेट करते हो, इन्हें आपकी तरह या आप जिस तरह से सोचते हो उस सोच में आप इन्हें हमेशा ड्रैग करने की कोशिश करते रहते हो, वहाँ पर लेकर आते हो जहाँ से आप लाइफ को देखते हो। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिस तरह से ये एक रिस्ट्रिक्शंस में होते हैं, एक्चुअली ऐसा सिनेरियो ही नहीं होगा, ये इनका डर है, ये इनका फियर है। आप इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, लेकिन आपके पर्सन क्योंकि ये आपके साथ एक परफेक्ट मैच बनाना चाहते हैं, इसलिए वो एक अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करते होंगे, यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि ये मैस्कुलिन का एक बिहेवियर है गाइस, वो अपनी फेमिनिन को प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं, अपनी फेमिनिन्स के लिए वो 100% अपना बेस्ट वर्जन देना चाहते हैं, तो ये उनकी फीलिंग्स हैं, फाइन, बट आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हो ये तो और भी अच्छी बात है। तो यस गाइस, यहाँ पर एनर्जीज इसी तरह से प्रोसीड होंगी कि आप इन्हें मोटिवेट करोगे, आप इन्हें अकेला नहीं छोड़ोगे और आपको अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऐसे पर्सन ही हो गाइस जो आपने बहुत कुछ मेंटेन किया है एक बैलेंस की तरह, सब कुछ आपने हैंडल कर लिया है, इस पर्सन को भी अंडरस्टैंड करते हो, आप खुद को भी अंडरस्टैंड करते हो, इस कनेक्शन को भी अंडरस्टैंड करते हो, तो वो बैलेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है तो वो क्या है, गॉडेस ऑफ लाइट की एनर्जीज हैं गाइस। यस, यहाँ पर बिल्कुल वही यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहता है कि इस पर्सन को बहुत सारे फियर्स हैं, मतलब आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है या सोलमेट है, इस पर्सन को अपने एक मैस्कुलिन वर्जन में बहुत सारे डर हैं अभी भी, या तो आपको खोने का भी डर कह सकते हैं। तो आप इन पर ज़रूर वो चेक हमेशा बनाकर रखिएगा, इन पर वो गॉडेस ऑफ लाइट हमेशा शावर करते रहिएगा, इन्हें ब्लेसिंग्स आप सेंड कीजिएगा, इन्हें उतना कॉन्फिडेंस ज़रूर देने की कोशिश कीजिए कि ये आपके साथ वो वॉर्म्थ महसूस करें, ये अकेला ना माने खुद को, इन्हें किसी भी तरीके से आप अकेला मत छोड़ें गाइस, जिस भी तरह से, अगर इनडायरेक्ट फॉर्म्स में भी आप इनसे कुछ कहना चाहते हो, इन्हें कुछ बताना चाहते हो तो बताते रहें, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप जो भी करना चाहते हो, इन्हें मोटिवेट करने के लिए जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, और आप अपना एक जो मॉडेस्ट या हम्बल वेरी डाउन टू अर्थ वाला एटीट्यूड अगर इनके तरफ रखेंगे तो वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर जल्दी बिल्डअप होगा। ऑलराइट, तो यही था इस कार्ड का मीनिंग गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में, और यूनिवर्स का साइन भी आपके लिए आपने देख लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आप गाइडेंस ग्रैब कीजिएगा गाइस, और अगर ये सेशन आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।